हेलो दोस्तों, जायकेदार रितु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही डिलीशियस यम्मी सा स्वीट रेसिपी लाई हूँ और ये स्वीट रेसिपी का नाम है काकड़ा पीठा। इसे मड़ा भी कहते हैं। ये एक उड़ीसा की फेमस रेसिपी है। चलिए देखते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इससे पहले अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि ये स्वीट डिश आपको कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं कलाकंद ली हूँ, आप चाहे तो प्लेन मावा भी ले सकते हैं यानी खोया। यहाँ पर मैं कलाकंद खोए का ली हूँ, ये 4 बर्फी, ये तेल, ये आलमंड यानी बड़े बादाम बारीक काट ली हूँ, इलायची पाउडर, घी, ये नारियल का बुरादा है, आप चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, ये चीनी और ये सूजी यानी सेमोलिना। चलिए देखते हैं ये कैसे मिठाई बनती है। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर ली हूँ और इसमें मैं 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब मैं घी डाल रही हूँ। और हल्का सा तेल, दोनों मिक्स करके, अगर आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं और आप अगर चाहे तो घी से भी, या फिर आप दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे धीमा, मतलब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसमें सूजी डालूँगी। इसे मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का सा भूनूंगी। कंटिन्यू इसे चलाते हुए भूनना है हल्का सा, जब इसका रंग चेंज हो जाए तब मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी इतना आ रहा है दोस्तों, बता नहीं सकती, इतना टेस्टी मुझे लगता है ये, और आप भी जब ये बनाइएगा तो आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। ये आप बहुत ही कम चीज़ों से बना सकते हैं। आपके पास अगर स्टफिंग के लिए मावा ना हो तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आपके पास नारियल है तो आप नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर आप उसका बुरादा भी डाल सकते हैं नारियल का, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं स्टफिंग के लिए। ये देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ और ऐसे इसका जो रंग है हल्का जब चेंज हो जाए तब मैं इसमें पानी डालूंगी और चीनी ऐड करूंगी। इसका अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो ये मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ। पहले आप सूजी का हलवा तैयार कर लीजिएगा, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसी समय हल्का हल्का करके धीरे धीरे पानी डालूंगी और कंटिन्यू चलाती रहूंगी। चीनी मैं डाल रही हूँ, स्वाद के अनुसार मैं डालूंगी, आपको जितना चीनी पसंद है, मीठा खाना पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। इसी समय मैं थोड़ा सा कार्डमम पाउडर 1 चुटकी डालूंगी और कंटिन्यू इसे चलाती रहूंगी। इसे मैं कंटिन्यू चलाती रहूंगी जब तक ये पूरा तरीके से सूख ना जाए पानी इसका। कंटिन्यू चलाने से लम्स नहीं बैठते हैं। ये देखिए पूरा पानी एब्जॉर्ब हो गया है सूजी में। अब मैं इसी समय गैस ऑफ कर दूंगी और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूंगी। जब तक सूजी का हलवा ठंडा होता है हल्का, तब तक मैं गैस ऑन करके यहाँ तेल गरम करने के लिए मैं चढ़ा दूंगी और जब तक ये तेल गरम हो रहा है तब तक मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ।
स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ये कलाकंद ले रही हूँ। इसे मैं सबसे पहले मैं चूर लूँगी। ये बहुत ही लजीज लगता है। मावा में ये जो कलाकंद है, ये कलाकंद में चीनी पहले से ही मिला हुआ है, तो मैं इसमें चीनी ऐड नहीं करूँगी। अगर आप प्लेन मावा ले रहे हैं या खोया ले रहे हैं तो आप उसमें स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, एक चम्मच के करीब घी, इलायची पाउडर, ये ड्राई फ्रूट्स, आप चाहे तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो, आप काजू, किशमिश, चिरौंजी, ये कुछ भी आप डाल सकते हैं। ये अच्छे तरीके से मिलाना है। ये देखिए स्टफिंग तैयार हो गई है। ये देखिए मेरा सूजी का हलवा भी ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है, ये हल्का गर्म रहना चाहिए, पूरी तरीके से मुझे ठंडा नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं हाथ में घी लगा लूँगी और ये इस तरीके से मैं हलवे के बॉल बनाकर ये बॉल बन गया। अब मैं इसमें बीच में हल्का सा इस तरह से गड्ढा करूँगी, इसके बीच में मैं स्टफिंग डालूँगी खोए वाली। मैं इस तरह से मैं बंद करके हल्का सा दबा दूंगी और साइड से इस तरह से करके सेव दे दूंगी। देखिए इस तरह से तरीके से मैं बाकी सबको बना लेती हूँ। ये मैं सभी तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था इसलिए मैं और थोड़ा ऐड करी हूँ। अब मैं फ्राई करूँगी इसे धीरे धीरे डालिए। ये लीजिए बनकर तैयार है काकरा पीठा, जिसे मौड़ा भी कहते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।